वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल खवातीन हज़रात, मैं हूँ शादाब अली सैयद और आप देख रहे हैं शादाब टॉक्स। आज हम लोग लेके जाएंगे आपको, आज हमने प्लान किया, आज हम लोग लंच करेंगे, आज हम लोग जाएंगे वनक्कम। वनक्कम जब आप नाम मैंने बोला है तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग साउथ इंडियन खाने के बारे में बात करें। यहाँ पर एक नई रेस्टोरेंट ओपन हुई वनक्कम के नाम से, जो कि बी आर बिरला स्कूल के पास में लोकेटेड है। साउथ इंडियन में जैसे अपने जोधपुर की अगर बात करेंगे तो जब साउथ इंडियन का खाने का कहते हैं तो लोगों के दिमाग में आता है कि भाई डोसा हो गया, सांभर बड़ा हो गया, इडली हो गया, उत्पम हो गया, ये सब चीज़ें तो वहाँ पे मिलेगी मिलेगी। उसके अलावा भी आपको मैंने सुना है वहाँ पे ये परांठा कोरमा के साथ में सर्व करते हैं। परांठा इनका लच्छेदार परांठा होता है और वेज, ये आपको मिक्स वेज सब्ज़ी देंगे साउथ इंडियन करी में बन के। इसका सपाट हम लोग ट्राई करेंगे जो कि एक साउथ इंडियन थाली है। बहुत सी चीज़ें उनके यहाँ पर एकदम डिफरेंट आपको, मतलब ये जो नॉर्मली यहाँ जोधपुर में मिलता है मसाला डोसा, उसके अलावा वो तो है ही है, उसके अलावा भी आपको बहुत सी डिफरेंट डिफरेंट साउथ इंडियन जो डेलिकेसीज है वो आपको खाने का वहाँ पे मौका मिलेगा। फिलहाल अपन चलते हैं वनक्कम, जो कि बी आर बिरला स्कूल के पास में लोकेटेड है, नियर पीएफ ऑफिस। सीधा वहाँ चलते हैं, वहाँ चल के उनका इंटीरियर्स भी देखते हैं, वहाँ के जो ओनर उनसे बात भी करेंगे, पूछेंगे भाई ये कॉन्सेप्ट कब उन्होंने कब स्टार्ट किया और यहाँ पर साउथ इंडियन खाना जो डिफरेंट है वो यहाँ पर लाने का, जोधपुर वासियों का को सर्व करने का उनका क्या एम है। चलिए सीधा वहाँ चलते हैं, वहाँ चल के बात करते हैं। वनक्कम, वनक्कम का साउथ इंडिया में मतलब होता है वेलकम, ग्रीटिंग, मतलब हेलो, वनक्कम। चलिए चलते हैं। बताया था कि आज हम लोग ऑथेंटिक साउथ इंडियन खाना खाएंगे, तो हम लोग यहाँ वनक्कम आए हैं। यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया मसाला डोसा वो तो जो आम चीज़ें तो आपको मिल जाएगी, उसके अलावा यहाँ पे आपको काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें मिल जाएगी। चलिए अंदर चलते हैं, यहाँ पे इनका फ्रोजन स्टेशन भी है वनक्कम। इनकी जो लोकेशन है ना, लोकेशन हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप आराम से इनको नेविगेट कर सकें। मैं चेक कर लूँ यार, मैं पहली बस हो चुका है, आ जाए तो बस। हम लोग यहाँ वनक्कम आ गए और आज हमारा प्लान था कि हम लोग लंच करेंगे, एकदम साउथ इंडियन स्टाइल का जो खाना यहाँ पे अभी इन्होंने स्टार्ट किया वहाँ पे हम लोग आए हैं और माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त इन्होंने बनाया। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी ये जो फ्लोर्स जो टाइल्स, हम लोग 5-6 रेस्टोरेंट में गए थे, टाइल्स ये भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट चल रहा है, कॉम्बिनेशन में इन्होंने टाइल्स लगाई हुई है। इंटीरियर्स की बात करेंगे तो काफ़ी अच्छे इन्होंने इंटीरियर्स किए हैं। साथ साथ में जो सीटिंग की बात करेंगे तो जो चेयर्स है उस पर काफ़ी अच्छा कुशनिंग इन्होंने दिए ताकि आप आराम से बैठ के खाना खा सकें। ये जो सेक्शन है यहाँ पर अगर आप बैठेंगे तो इन्होंने बड़े बड़े सोफ़ा बनाए हुए हैं ताकि जैसे कोई छोटे बच्चे आते हैं तो वो आराम से यहाँ पर बैठ सकें। बिकॉज जब फैमिलीज आती है तो बड़ी फैमिलीज आती है तो उनके साथ में बच्चे तो होते ही हैं, तो यहाँ बच्चे आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। चलिए देखिए, कम्फर्टेबल है यार, बहुत ज़बरदस्त। पीछे देखते हैं, पीछे क्या है इनके यहाँ पे, ये किस चीज़ का काउंटर भैया यहाँ पे? ये साइड्स हैं। अच्छा, साइड्स हैं सब। हाँ, क्रोकरी कटलेट पे पूरी आप ये लोग यहाँ रखते होंगे पूरा इन्होंने एकदम। तो इन्होंने जो फील जो दी है वो साउथ इंडियन, जो इंटीरियर्स की बात करेंगे तो काफ़ी सारा जो वाइब्स आ रही है वो साउथ इंडियन की आ रही है बिकॉज हम साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में आए। बाहर भी देखिए, बाहर भी इनको काफ़ी अच्छा उन्होंने बनाया हुआ है। देखिए हैंड वॉश यहाँ पे है पूरा, साथ साथ में यहाँ पे इन्होंने ज़बरदस्त बनाया हुआ है। देखिए आ जाए, ओ यस, झुकेगा नहीं तो अच्छा सा इन्होंने पूरा इन्होंने यहाँ पे डेकोरेशन किया बाहर। चलिए अंदर चलते हैं, यहाँ के जो ओनर है उनसे बात करते हैं और फिर हम लोग आगे जाके हम आपसे बात करेंगे। आ जाए, पूरा इंटीरियर्स आपको दिखा दिया। अब यहाँ पे जो ओनर है वो हमारे साथ है। वनक्कम मैम, वनक्कम का मतलब होता है हेलो, मतलब एक ग्रीटिंग होता है ना। तो मैम कितना टाइम हो गया मैम आपको ये स्टार्ट किए हुए? One month and four days. तो कैसा रिस्पांस आया आपका? सर काफी अच्छा, काफी अच्छा, काफी अच्छा। मैं यूजुअली यहाँ से 2-3 बार निकला था, काफी मतलब अगर शाम की बात करेंगे तो काफी ज्यादा रश था सर। एक्चुअली हमारा वेटिंग जाता है 30 to 40 plus जाता है। हाँ जी सर, लोग एक एक घंटा वेट कर रहे हैं अभी। तो मतलब एक एक घंटा वेट करें तो अच्छा है कि हम लोग दोपहर में आए ताकि हम लोग आराम से शूट कर सकते हैं, आपसे बात भी हो जाएगी और आप पूरा हमको एक्सप्लेन भी कर देंगे। तो यहाँ की मुझे इंटीरियर बहुत अच्छा लगे। जैसे हम लोग यहाँ पे, हम लोगों को सबसे अच्छा क्या लगा कि काफ़ी ब्राइट है और काफ़ी अच्छा इन्होंने यहाँ पे इंटीरियर्स किया है, उसके साथ में खाना भी अच्छा होना चाहिए। तो खाने के बारे में कुछ बताएं मैम आप हमको। सर अपना जो भी खाने का मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल जो मेन रहता है इंग्रेडिएंट्स, वो सारे के सारे तमिलनाडु से आ रहे हैं। उसके अलावा जो बनाने वाले हैं शेफ्स वगैरह, वो पूरी टीम हम तमिलनाडु से लेके आए। मतलब इंग्रेडिएंट्स से लेके आपका पूरा जो भी स्टाफ है अंदर शेफ, वो सब तमिलनाडु से आया है।
अब तक सारा कुछ हम लोग तमिलनाडु से ही लेके आ रहे हैं, जैसे इंटीरियर है तो वो भी सारा कुछ डिजाइनर आया था, इंटीरियर चेन्नई से ही आए थे। हाँ, ये काफी जबरदस्त, मतलब इनका अगर वॉल की बात करेंगे तो काफी अच्छा इन्होंने डिजाइन किया है। जैसे मैंने बताया कि जो इंटीरियर वाला भी है वो भी साउथ इंडिया से आया था, तो मतलब खाने जो वाइब्स अगर आपको साउथ इंडियन की आएगी खाने के साथ में, तो आपका जो मजा है वो डबल हो जाएगा। तो जैसे मैं हम लोग यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं तो मसाला डोसा और वो तो आपका काफ़ी अच्छा हो गई, उसके साथ में क्या डिफरेंट चीज़ हमको यहाँ मिलेगी जो बाकी रेस्टोरेंट में नहीं है? सर, हम पराठा कुरमा लेके आए तमिलनाडु से। जी, तो वो सबसे ज़्यादा डिफरेंट है क्योंकि वो अभी तक लॉन्च ही नहीं हुआ है जोधपुर में। जी, तो पराठा कुरमा एक तरीके से लच्छा पराठा रहता है, उसके साथ में कुरमा रहता है, वो सब्जी रहता है, तो वो आप ट्राई कीजिए। हाँ जी, करी रहता है, वो भी साउथ इंडियन का स्पेशल है। और एक होता है सापार थाली जिसमें राइस आता है, राइस के साथ में मल्टीपल वेरायटी आती है, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। तो वो जो थाली है उसमें सब राइस ही रहेगा या उसके अलावा? राइस के साथ में जैसे सांबर रहेगा, रसम रहेगा, वत्तकुलम रहेगा, पोरियल रहेगा, और भी डिफरेंट आइटम्स रहेगा। वत्तकुलम में क्या होता है मैम? सांबर तुमको पता है, वत्तकुलम एक लाइक टैंगी स्पाइसी काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट रहता है। हाँ जी, तो आप उसको आप लेंगे तब आपको पता चलेगा। हाँ, वही हम लोग बर्स्ट ऑफ फ्लेवर्स है। मेरा यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही रहेगा, मैंने तो मतलब हम लोग जब साउथ इंडियन की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ ये मसाला डोसा हो गया, उत्पम हो गया, इडली हो गया, ये तो मैंने ट्राई किया, लेकिन जो सफाट है वो मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया, तो वो हमारे लिए डिफरेंट रहेगा। तो चलिए मैम से हमने बात होगी, थैंक यू वेरी मच मैम, आपने परमिशन दी हमको यहाँ पे शूट करने के लिए। मैम से पूछेंगे किचन में हम लोग शूट कर सकते हैं मैम? श्योर सर, श्योर यू कैन। थैंक यू सो मच मैम कि आप लोग काफ़ी कॉपरेट कर रहे हैं। तो चलिए बस हम लोगों ने मैम से बात के लिए पूरा आपको एक रफ आइडिया दे दें कि यहाँ पे क्या क्या सिग्नेचर डिशेज मिलेगी, पूरा मेन्यू आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं। हमको टेबल हमारे मिल चुकी है, ताब भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, सब कह रहे थे आज आपको ज़बरदस्त खाना खिलाएंगे साउथ इंडियन, ठीक है? क्या खाओगे? थाली जो पापा खाएंगे वही खाओगे ना? तो आपको पूरा हमने देखा यार, मुझे मतलब यहाँ पे कभी कोई कोई रेस्टोरेंट ऐसी होती है जहाँ पे आपको अच्छी वाइब्स आती है, मतलब यहाँ आराम से सुकून से बैठा हूँ, काफ़ी अच्छी खुशनिंग है। चलिए पूरा मेन्यू दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग किचन में जाएंगे, देखते हैं हमारी थाली कैसे तैयार करते हैं, साथ साथ में इनका जो परांठा है उसके कोरमे के साथ में वो कैसे बनाते हैं पूरा दिखाएंगे, फिर हम लोग ट्राई करेंगे और फिर हम लोग हमारा जो रिव्यू आपको देंगे। और ये मेरे डिफरेंट रहेगा क्योंकि मैंने अभी तक तो यहाँ जोधपुर में तो ये सपाट और ये सब चीज़ें नहीं खाई है। बाकी उसके साथ साथ मैं आपको पूरा मेन्यू दिखाने का ये मकसद होता है कि अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, वैसे तो जो मैं जाता हूँ जो मैं खाता हूँ आप लोग वही खाते हो, लेकिन फिर भी आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। चलिए पूरा मेन्यू दिखाते हैं, उसके बाद फिर किचन में चलते हैं। तो वनकम का जो मेन्यू है हमारे साथ में, देखिए इडली के आपको इतने सारे ऑप्शन मिल जाएंगे यार, देखिए उसके बाद आप आ जाएं, डोसा आपको मिल जाएगा यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया इडली डोसा, डोसा की बहुत सारी वैरायटीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। और प्राइस भी जैसे इनकी सीटिंग है, जैसे इनका इंटीरियर है, उसके हिसाब से जो प्राइसिंग है वो काफ़ी परफेक्ट मुझे लग रही है, उतना आपको यहाँ मिल जाएगा। और उतना मेरा फेवरेट भी, काफ़ी ज़्यादा हाइजीनिक होता है, और सॉरी हाइजीनिक क्या, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, और इसमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है बिकॉज ये सूजी से बनता है, इसलिए देखिए ये देखिए। उसके बाद आपको राइस में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, मुझे रसम बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो टमाटर्स, रसम टमाटर से बनती है ना, टमाटर्स। ये हमारी थाली है, ये देखिए 350 रुपए की है, उसमें आपको ये सब चीज़ें मिलेगी, ये देखिए। उसके बाद आपको सूप्स मिल जाएंगे यहाँ पे, बेवरेजेस मिल जाएगी, साउथ इंडियन स्पेशल आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो बहुत अच्छा मेन्यू यार उन्होंने सेटअप पूरा किया। पराठे, हाँ काफ़ी सारे पराठे ना, हम लोग तो आपका जो मिक्स वाला है वो लेंगे ना, जो मेन जो आपका है। और एक केसरी हलवा, जो कि केसरी बात भी बोलते हैं ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये हमने फर्स्ट टाइम नंदी में खाया था, और अच्छा काफ़ी अच्छा बनाया था उन्होंने। ये देखिए फास्ट फूड, तो अभी मैं देख रहा हूँ जोधपुर में काफ़ी सारी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खुल रही है, लेकिन ये टोटली डिफरेंट रहेगी मेरे लिए। तो साउथ इंडियन के साथ साथ में आपको फास्ट फूड भी मिल जाएगा, जैसे बच्चे आते हैं तो इन्होंने उसका भी ध्यान रखा है, जैसे पास्ता हो गया, सैंडविचेस हो गए, पिज़्ज़ाज़ हो गए। चलिए पूरा हमने आपको मेन्यू दिखा दिया, आप चलते हैं किचन में और देखते हैं हमारा खाना कैसा। इनका जो बार आपने देखा होगा जो कि फ्रोजन स्टेशन इन्होंने बार रखा है, वहाँ से ये लोग सर्व करें शेक्स काफ़ी सारे इनके पास में, देखिए। तो ये चीज़ भी आप खाना खाने के बाद में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जब यहाँ पर आए तो हम लोग तो उनकी जो केसरी बात है, जो हलवा है वो ट्राई करेंगे बिकॉज वो इनका फेवरेट है। चलिए आपको सब कुछ दिखा दिया हमने यार, अब बस बारी किचन की और खाना ट्राई करने की। तो जैसे हम लोगों ने तो अभी तक रिव्यू दिया नहीं, लेकिन यहाँ पे जो कस्टमर हैं वो उनसे हम लोग रिव्यू लेंगे। सर हेलो, सर कैसे हैं आप? बस बढ़िया, फाइन सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हनुमान है सर। हनुमान जी, आप लोग आपको यहाँ का खाना कैसा लगा? बहुत बढ़िया टेस्ट है। क्या लिया था सर आपने?
हमने लिया एक तो रवा डोसा जी, रवा डोसा लिया आपने और एक उत्तपम लिया था। उत्तपम लिया आपने? उत्तपम जी जी। हाँ। तो उसके साथ में आपने इनकी जो सर्विंग जी सर्विंग की जो स्टाइल है वो आपको कैसे लगी? बढ़िया अच्छी है, मतलब एकदम आपको ऑथेंटिक ढंग से तो खाना खिला ही रहे हैं और साथ साथ में टेस्ट भी आपको वही दे रहे हैं। वर्णक का मतलब नाम ही काफ़ी, नाम ही काफ़ी है, काफ़ी तो ठीक है सर का रिव्यू बहुत, मतलब एक जो साउथ इंडियन का जो टेस्ट है जी जी वो एक परफेक्ट टेस्ट आता है, परफेक्ट टेस्ट आता है ठीक है। ऐसा टेस्ट आपको नॉर्थ इंडिया में कम जगह देखने को मिलेगा, क्योंकि जो साउथ का टेस्ट है वो साउथ का ही रहेगा। और जो जोधपुर में तो और भी मुश्किल से मिलता है ऑथेंटिक टेस्ट। हाँ, मैंने दूसरी जगह ऐसा टेस्ट नहीं देखा, जोधपुर से। तो ठीक है, देखिए जो कस्टमर उनका भी रिव्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने अभी यहाँ पे डोसा और उपम लिया था, तो हम लोग ये बहुत अच्छा रहा कि आपने डिफरेंट चीज़ ली, क्योंकि मैंने डिफरेंट लिए, तो चारों चीज़ों का हम लोग रिव्यू कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने आपका टाइम दिया। थैंक यू। चलिए सर अंदर, चलिए अंदर चलते हैं वनकम के किचन में और देखते हैं हमारा जो दो ऑर्डर हमने ऑर्डर किया है वो इन्होंने तैयार कर दिया। देखिए ये देखिए, इसके बारे में कुछ बताएं बस हमको। सर ये सांभर है। सांभर है, ये रसम है। रसम है जो कि टमाटर से बनती है। काराकोरम है जो तीखा और इमली का पानी। ये क्या होता है? काराकोरम है। काराकोरम तीखा होता है। तीखा होता है ये, मोर मोरगा ये, मोर मोर कोलमा, मोर कोलम, मोर कोलम, मोर कोलम मीन्स कड़ी, कड़ी है। अच्छा ये कड़ी है, ये सब्जी है चने की, ये सब चने की सब्जी है। ये पत्ता गोभी और बीटरूट मिक्स। ये क्या बात है, कूट है और ये पोलियन है। ये कूट कहते हैं इसको। अच्छा कूट कहते हैं इसको, जो कि ये किससे बनता है? कैबेज और बीटरूट से। हाँ, जी जी। और ये कोरियल है। कोरियल, कोरियल मिक्स वेजिटेबल, कोरियल कोरियल। अच्छा बीन्स और कैरेट के, बीन्स और कैरेट के। और ये है छाछ, छाछ है, केसरी, केसरी भात जो मैं कहता हूँ। क्या बात है। और ये अचार, ये बनाना, राइस, अपलम। क्या बात है। मोर मोरगा, ये जो मिर्ची को भी बोलते हैं, तीखी मिर्ची रहती है। क्या बात है यार। अब वो जो पराठा है वो बनाएंगे। ये देखिए, ये देखिए आपको डोसा भी बनाते बताते हैं। देखिए डोसा बन रहा है इनका, ये मसाला डोसा बना रहे हैं आप। ये देखिए क्या बात है। ये जो पराठा कोरमा हम लोग लेंगे उसका पराठा कैसे बनता है वो देखिए, वो आपको दिखाते हैं। क्या बात है यार, ज़बरदस्त। ये भी टेक्निक है, इसको पीट पीट के बनाते हैं। ये देखिए, ये सब चीज़ें आपको ट्राई करनी है तो आपको वनकम पे आना पड़ेगा, जो कि पीएफ ऑफिस के पास में है इनकी लोकेशन। देखिए ये लच्छा बन गया। ये देखिए ये देखिए क्या बात है। हमारा जो पराठा है वो रेडी करेंगे। ये देखिए, मतलब जो मेन जो है अपना जो यही पूरा तवे पे सारे काम होते हैं ना। एक एक प्लेट में आपको दो पराठे मिलेंगे और साथ में सब्जी आएगी, तो ये दोनों चीज़ हमारे लिए बहुत डिफरेंट रहेगी यार। और मुझे जो देखिए थाली का जो कलर लग रहा है ना, उससे मुझे लग रहा है कि बहुत ज़बरदस्त खाना होने वाला है हमारा आज। ये आपकी मिर्ची है? हाँ सर, ये साउथ से आप लेके आते हैं। ये नहीं मिलती जोधपुर में तो, और बताएं कौन कौन से जो है जो नहीं मिलते। ये इसको क्या बोलते हैं? अनियन से। अच्छा ये वहाँ से आते हैं? ये साउथ का स्पेशल है। ये चीज़ आपने अच्छी बताई ना। और क्या क्या चीज़ें जो सिर्फ वहाँ से आती है वो दिखाएं मुझे, ताकि अपने जो भी व्यूवर्स हैं उनको पता रहे कि क्या चीज़ बता रही है। देखिए ये वहाँ के जो प्याज है वो, ये दोनों चीज़ें जोधपुर में मिलती है। और मैंने सुना आपका जो गरम मसाला होता है वो भी एकदम अलग होता है, बहुत ज़्यादा खुशबूदार होता है। अगर आप वहाँ की साउथ की बात करेंगे तो गरम मसाला तो वाकई में काबिल तारीफ़ है। तो माशाल्लाह क्या बात है यार, दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट है। ये बहुत तेज़ मिर्ची है जो कि सिर्फ वहाँ मिलेगी, और ये इनका जो प्याज है। और क्या क्या भाई साहब? सांभर होता है ना, सांभर, ऑनियन, सांभर। और क्या बात है, मुझे थोड़ा क्योंकि हम साउथ का लैंग्वेज मुझे इतना नहीं है, तो हम सिर्फ खाना खाएंगे और सर से गाइड करेंगे कि मैं जो खा रहा हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो मुझे बता देना आप। ये देखिए कितने क्रिस्पी हो गए, देखिए ये पराठे। पराठे हमें रेडी हो रहे हैं और भाई साहब लेके आए सर।
जो कारापण में बना वो बोलते हैं ना जी जी वो बनाने वाला चीज है वो सब मतलब ये अपने बेसिक जो जो सब में जाएंगे ये पूरा साउथ उधर से तमिलनाडु से लेके आओ तमिलनाडु से लेके आया पूरा ये क्या भाई साहब ये इसको मच्छा बोलते हैं मच्छो मच्छो बोलते हैं और इसको बोलते हैं वत्तल वत्तम तो ये देखिए चारों चीजें चारों जो जी 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 वो इससे बनता है मतलब जो बहुत ज्यादा स्पाइसी होता है तो ये देखिए पूरे इंग्रेडिएंट्स में आपको बता दें चारों ये बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स है जो सारी रेसिपीज में अपना यूज करते होंगे ना ये देखिए ये पराठा इनका रेडी है वहाँ चलेंगे देखिए फिर इसको पीटेंगे पीटेंगे अरे यार क्या बात ताकि लच्छे सारे खुल जाए नहीं ये देखिए सॉफ्ट हो जाए ये देखिए हमारा पराठा रेडी है ये देखिए मिक्स वेज सब्जी और दो पराठे ये दोनों हमारे ऑर्डर वेजिटेबल कोरमा है ये अच्छा ये वेजिटेबल कोरमा पूरा इसके साथ है ना मिक्स वेज एक और इसमें दो आते हैं पजीरी आती है पजीरी क्या होता है साउथ में बोलते हैं पजीरी दही के अंदर प्याज प्याज अच्छा मिक्स करके जैसे अपने यहां पे और अपन वो जो रायता बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं साउथ में पचरी हां पचरी क्या बात है यार आज तो हमने मज़ा आ गया मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला यहाँ पे ये पचीरी भी आ गई ये इनकी जो मिक्स वेज सब्जी वो पराठा और ये हमारी थाली थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया सर और थैंक यू वेरी मच शेफ कि आप लोग हमको कोऑपरेट किया बिकॉज जब काम करते हुए शूट करते हैं तो थोड़ा बहुत ऑकवर्ड होता है थैंक यू सो मच थैंक यू ले लिया लेके आओ लेके आते आ जाओ आप सापड़ आ गया हमारा पराठा कोरमा आ गया ये देखिए क्या बात है चलिए अब हम लोग इसको ट्राई करेंगे पहले मैं थोड़ा फ़ोटो खींच लूँ उसके बाद फिर हम लोग ट्राई करेंगे समझ कैसा है मस्त है साथ में इनकी रसम जो कि टमाटर से बनती है ये ट्राई करते हैं काफ़ी ज़बरदस्त है काफ़ी स्पाइसी और काफ़ी चट ज़बरदस्त है मज़ा आ गया माशाल्लाह और ये कड़ी इनकी बाद में चावल के साथ भी खाऊंगा फ्लेवर्स आ रहे हैं यार और यहाँ की अगर अपन जैसे साउथ इंडिया की बात करेंगे तो वहाँ का गरम मसाला काफ़ी खुशबूदार होता है और उन्होंने दो तीन मुझे जो इंग्रीडियंट्स बताया जिससे बना था वो भी आपको हमने पूरा बताया तो इसमें क्या है खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है साथ में इनकी जो चने की जो सब्ज़ी वो ट्राई करते हैं इनका कूट अभी सब अलग अलग डिफरेंट इसलिए ट्राई करूँ ताकि मुझे फ्लेवर्स के बारे में पता रहे चावल के साथ तो फिर पाँच पाँच हो जाएगा चावल के साथ ट्राई करेंगे आप चावल साथ में एकदम साउथ इंडिया की स्टाइल में देखिए पत्ते पे इन्होंने सर्व किया है और साथ साथ मिस्ट्री की थाली चलिए मुझे सबसे अच्छा लगा इनका ये जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी है ये चीज़ इसको चावल के साथ में ट्राई करते हैं लाजमा मज़ा आ गया साथ में रसम वाकई में इतना ऑथेंटिक खाना और ये चीज़ मैं जो सबाड़ है वो मैंने अभी तक तो जोधपुर में कहीं भी ट्राई नहीं किया एकदम ऑथेंटिक स्टाइल से इन्होंने बताया और सबसे बड़ी बात इन्होंने मुझे जो इंग्रेडिएंट्स है जो सिर्फ इन्हीं के पास आपको मिलेंगे तो जो इंग्रेडिएंट्स होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट खेल होता है अगर आपको ये सब चीज़ें ट्राई करनी है तो आपको वनकम में आना पड़ेगा इनका साफ इनका जो सामान है वो भी एकदम डिफरेंट है यार इसमें बहुत सी वेजिटेबल्स इन्होंने यूज़ किए इसमें चलिए चलिए पूरा ख़त्म करते हैं बस इनका पराठा ट्राई करते हैं और इन्होंने मिक्स वेज जो सब्ज़ी हमको दिए आपको पूरा हमने बताया कि इन्होंने जो ये जो लच्छादार जो पराठा बनाया वो कैसे इन्होंने प्रिपेयर किया काफ़ी अच्छी इन्होंने टेक्निक यूज़ की इसमें बनने के लिए चलिए इनकी जो सब्ज़ी वो भी ट्राई करते हैं वाकई में लाजवाब
आज हम लोगों का जो लंच यहाँ वनकम में रहा बहुत अच्छा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। चलिए बुरा ख़त्म करते हैं, उसके बाद इनका जो केसरी भात है वो ट्राई करेंगे, और बच्चों ने उत्पम भी मंगाया वो भी आपको रिव्यू बच्चे करके बताएंगे, उसके बाद फिर हम लोग पेमेंट करेंगे और फिर हम लोग हमारा वीडियो ख़त्म करेंगे। उनके लिए हम लोगों ने उत्पम मंगाया था, जो कि इनका जो मसाला उत्पम में वो है। पहले हम लोग प्लेन कर रहे थे, लेकिन जो यहाँ के जो ओनर, उन्होंने कहा नहीं प्लेन नहीं ये बेस्ट रहेगा। चलिए ये लोग किस्वा ये लोग ट्राई करेंगे। जो ओनर है उन्होंने कहा कि आप ये भी कॉम्बिनेशन ट्राई करें, बटर मिल्क और साथ में इसको क्रश करना है मुझे, जो इनकी जो है वो मिर्ची। चलिए अब इसको ट्राई करेंगे। मैं आ गया हूँ, पूरा ख़त्म करते हैं, बस फिर हम लोग केसरी भात ट्राई करेंगे। अभी ट्राई करूँ, मेरा यार ये जो डेजर्ट है ना, जो केसरी भात है, वो मेरा फेवरेट है, और ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है। सबसे बड़ी बात ये ज़्यादा स्वीट नहीं है, ज़्यादा स्वीट होता है तो मुझे पसंद नहीं आता, यहाँ पे एकदम धीमे गश हुआ हुआ है, देखिए एक नंबर यार। चलिए अब बस ख़त्म करते हैं, पेमेंट करते हैं और फिर हम लोग वीडियो ख़त्म करेंगे। वनकम में जो एक्सपीरियंस रहा वो काफ़ी ज़बरदस्त रहा, हम लोगों ने यहाँ पे तीन चीज़ें ट्राई की। हम लोगों ने इनका जो पराठा के साथ में जो कोरमा हमने लिया वो कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़बरदस्त था। इनका जो थाली थी सपाट वो हमने ट्राई की, और साथ साथ में बच्चों ने उत्तम ट्राई किया। कैसा लगा आपको उत्तम? बहुत अच्छा लगा। कैसा उसके साथ में जो चटनी आई थी, मतलब चटनी भी तो ली थी ना आपने, चटनी थी कैसी थी? अच्छी थी। तो मैं सारे जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ऑथेंटिक साउथ इंडियन खाना खाना है, मसाला डोसा तो मतलब जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, मसाला डोसा इडली वो सब आपको मिलेगी, उसके अलावा भी आपको यहाँ पे बहुत सी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी जो सिर्फ आपको जोधपुर में वनकम में मिलेगी। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ, और यहाँ पे ऑथेंटिक साउथ इंडियन टेस्ट आपको मिलेगा, जिसका मतलब आपको एक बार तो आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए। चलिए इसी के साथ हम लोग हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह जिंदगी में तो फिर मुलाकात होगी। शादाब टॉक्स को देखते रहें, और हाँ अपनी सेहत का ध्यान रखें, बिकॉज लाइफ इज़ अ गिफ्ट। अल्लाह हाफिज़।